दुर्ग केंद्रीय जेल के सहायक जेलर के घर बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात जेल से छूटे अपराधी ने किया हमला। धमकी देते हुए दरवाजा तोड़ने का कर रहा था प्रयास। जेल परिसर में हुई इस घटना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। वहीं सहायक जेलर की शिकायत पर पद्मनाभपुर पुलिस ने दर्ज किया मामला। दुर्ग केंद्रीय जेल के सहायक जेलर अशोक साव के घर बीती रात जेल से छूटे आदतन अपराधी ने देर रात तकरीबन 3:30 बजे हमला कर दिया और दरवाजे को धक्का देते हुए तोड़ने का प्रयास किया और जब वह इसमें कामयाब नहीं हुआ तो उसने खिड़की पर वार कर उसे तोड़ने का भी प्रयास किया। इस घटना की जानकारी देते हुए अशोक साव ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने वाला आदतन अपराधी अमित जोश है। मैं यहाँ थाना भी आया है क्योंकि इस रात घर में करीब 3:30 बजे के आसपास मेरे घर में जेल का छूटा हुआ बंदी अमित जोश द्वारा जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। उसी बाबत मैं यहाँ अभी FIR करा के निकल रहा हूँ। करीब 3:30 बजे के बाद से दरवाजे को जोर जोर से पीटने की आवाज़, जैसे लगा कि दरवाजा टूट जाएगा और गंदी गंदी गालियाँ देकर के साला तेरे को काट डालूंगा, मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ऐसा करके फिर मैं और मेरी पत्नी उठे। हम लोग जो चूँकि बाहर से दरवाजा लग रहा था कि टूट मत जाए तो अंदर से हम लोग दरवाजे को धक्का देके रोके हुए थे कि कहीं दरवाजे टूट न जाए। उसके बाद फिर वो चाकू से जो मेरा बाहर का जो खिड़की है उसमें जाली लगी हुई है मच्छर से सुरक्षा के लिए, जाली पे वार किया गया। उसके बाद हाथ डाल के अंदर कुंडा खोलने की कोशिश की गई। उस वक्त मैं देखा वो लड़का अमित जोश जो जेल से छूटा हुआ बंदी है वो था, और उसके बाद जो है वो चाकू से जो मेरा खिड़की का शीशा है उस पर वार किया। फिर मैं बच्चे से मोबाइल मंगा के जैसे ही मोबाइल करने लगा वो बोला तू फ़ोन करके जिसको बुलाना है बुला ले, ऐसा बोल के भाग गया। वो बाहर हमारे गेट में प्रहरी की वहाँ पर ड्यूटी लगी रहती है और चूंकि मैं घर में था तो मैं ये नहीं बता सकता कि प्रहरी वहाँ था कि नहीं था। ऐसा मैंने जाने के बाद सुना कि जब मैं ड्यूटी गया तो मैं सुना कि वो जेल गेट में भी आया था और जो प्रहरी ड्यूटी में है सुधीर खरे उनको भी चाकू वगैरह दिखाया। खुन्नस के बाद खुन्नस ऐसा है कि मैं चूंकि जेल में अष्टपूर्ण अधिकारी हूँ तो सारे अपराधियों का रख रखाव, खाना पीना, उनको पेशी भेजना और संपूर्ण अनुशासन की व्यवस्था करना मेरे जिम्मे है और उसे मैं पृथक कक्ष में रखा हुआ था। उसके नाम पर कई जेल अपराध दर्ज है, उसको ऑलवेज सेल में ही रखता था मैं, तो इस वजह से वो थोड़ा मतलब क्या बोल जाए नाखुश रहे आप जो समझ लें क्या आम के। बिल्कुल जब तक वो अरेस्ट नहीं हो जाता तब तक रहेगा। कितने लोग अब मैं तो कल उसको देखा हो सकता उसके साथ ही आसपास छिपे रहे अंदाजा उस वक्त मैं कैसे लगा पाऊंगा। चार पाँच हो सकते साथ ही रहे हूँ लेकिन मैं उसको देखा खाली। मैं तो सीधा ऑफिस गया आपने उसके बाद फिर साहब से बोल के मैं यहाँ FIR कराने आया, तो उसके पीछे मैं कुछ नहीं। वहीं इस मामले में जेल पहुंचे पद्मनापुर थाना प्रभारी ने मौके का मुआयना किया। परिसर के अंदर घटित हुई इस घटना ने जेल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। फिलहाल पद्मनापुर पुलिस ने मामले में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। ये घटना जो है ना 3:15-3:30 बजे के बीच के आसपास की बात है। यहाँ से हमें सूचना मिली थी कि व्यक्ति जो है यहाँ रेलवे सॉरी जेल परिषद पे जो क्वार्टर बने हुए हैं जिसमें उप जेल साहब रहते हैं वहाँ पे वो क्या सूचना पर आए तब तक जब तक हम लोग आए तब तक ये यहाँ से चला गया। सुबह आकर देख रहे हैं तो उसके जो खिड़की की जो जाली है जिसमें मच्छर वगैरह को रोकने के लगाते हैं वो कटा हुआ है। अभी फिलहाल जो है तफ्तीश जारी है, आगे जो उनकी कार्रवाई होगी आपको बताया जाएगा। सर जेल पर नहीं इसके बारे में इतना जल्दी बोला जाना ठीक नहीं, उस सब फुटेज दिख रही है उसकी पहचान की जाएगी, पहचान होने के बाद फिर आप लोग को बताया जाएगा। फिलहाल अभी तक से कोई बरामद नहीं हुई। हाँ एक चाकू का टुकड़ा घर के अंदर नहीं था, एक चाकू का टुकड़ा जो है बाहर पे जिसको देखिए सुरक्षित रखा गया है, फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग केंद्रीय जेल के मुख्य परिसर पर बने गेट पर 24 घंटे प्रहरी की ड्यूटी होती है। ऐसे में आदतन अपराधी के द्वारा जेल परिसर में दाखिल होकर सहायक जेलर के घर पर हमला करना सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहा है। जब कड़ी सुरक्षा क्षेत्र में इस तरह की घटना घटित हो सकती है तो आम नागरिकों का क्या होगा, अब देखना होगा पुलिस प्रशासन इस दिशा में किस तरह का प्रयास करता है। क्राइम सीन न्यूज के लिए दुर्ग सेना सिंह फारूकी की रिपोर्ट।